नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। शाहिद अफरीदी को तो जानते ही होंगे आप। उनका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो शाहिद अफरीदी भारत के खिलाफ खूब जहर उगलते थे, हवा में उड़ रहे थे, अब वो घुटनों पर आ गए हैं। उनके घुटनों पर आने की वजह आप भारत का बढ़ता कद भी मान सकते हैं, क्योंकि ये वही शाहिद अफरीदी हैं जो एक मौका नहीं छोड़ते थे भारत पर हमला बोलने का, और आज भारत के गुणगान कर रहे हैं। जब आपका दुश्मन घुटनों पर बैठकर आपकी तारीफों में कसीदे पढ़ने लगे, तब आप समझ लीजिए कि आप कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं। क्योंकि शाहिद अफरीदी ने जब एशिया कप 2023 के लिए भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया, तब अफरीदी ने कहा था, पिछले 12 महीनों से दोनों देशों के बीच अच्छा मेलजोल स्थापित हुआ है और अब अच्छा गुड फैक्टर भी है, तो बीसीसीआई सचिव इस तरह का बयान क्यों देंगे। ये भारत में क्रिकेट प्रशासन में अनुभव की कमी को साफ दिखाता है। इतना ही नहीं, जब भारत पाकिस्तान के बीच हवा में हुई लड़ाई के दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर पाकिस्तान में गिर गया था, तब शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान की शेखी बघारने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा था, हमने उनको हवा में मार के चाय पिला के वापस भिजवाया इज्जत से और दुनिया को संदेश दिया कि हम अमन पसंद कौम है। सुनिए अफरीदी का ये बयान। को हवा में मार के चाय पिला के वापस भिजवाया इज्जत के साथ, हमने दुनिया को ये पैगाम दिए कि हम अमन पसंद कौम है। हम प्यार मोहब्बत की जबान समझने वाले लोग हैं, लेकिन अगर प्यार मोहब्बत से बात करोगे तब। सुना आपने, इतना ही नहीं, अफरीदी ने तो अभी और भी जहर उगला है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को जालिम तक कह दिया। आपको बता दें कि अफरीदी से कश्मीर के हालात और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया, तो अफरीदी ने कहा, मेरी एक सेम चीज है, अगर दुनिया में कहीं जालिम आदमी होगा और कहीं मजलूम होगा जिसके ऊपर जुल्म होगा, चाहे किसी भी रिलीजन से हो, मैं हमेशा बात करूंगा। नो डाउट मैंने कश्मीर के हालात पर हमेशा बात की है। अगर कोई नॉन मुस्लिम होगा वो पाकिस्तान में होगा, इंडिया या दुनिया के किसी भी कोने में होगा, जालिम जालिम ही होता है, मजलूम मजलूम ही होगा। अफरीदी को पाकिस्तान में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार नहीं दिख रहे हैं। खैर, ये तो थे अफरीदी के जहरीले बोल, लेकिन अब अफरीदी मोदी के सामने गड़गड़ा रहे हैं। दरअसल इस साल खेले जाने वाले एशिया कप को लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के सचिव जय शाह ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारतीय टीम एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। बीसीसीआई के इस रुख के बाद एशिया कप कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि पीसीबी पाकिस्तान में ही एशिया कप को आयोजित करने पर अड़ा हुआ है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी का तेवर बदल गया और उन्हें बड़े ही प्यार भरे अंदाज में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त कर कहा कि मोदी साहब क्रिकेट होने दें। अफरीदी ने कहा, जहां तक पाकिस्तान में सुरक्षा का सवाल है, तो हमारे यहां हाल ही में कई इंटरनेशनल टीमों ने दौरा किया, हमें भी भारत में सुरक्षा का खतरा रहता था, लेकिन अगर दोनों देशों की सरकार से अनुमति मिलती है तो दौरा होगा, मोदी साहब क्रिकेट होने दें। अब शाहिद अफरीदी का पीएम मोदी से रिक्वेस्ट करने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है। इस दौरान शाहिद अफरीदी को एशिया कप से जो पाकिस्तान को फायदा मिलता उसका दुख होगा, और इन दिनों भिखमंगे पाकिस्तान के लिए पाई पाई कितनी कीमती है ये आप अच्छे से समझते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।